आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नज़र उन राज्यों पर ज्यादा है जहां लोकसभा की सीटें अधिक है या फिर जहां उसका कभी प्रभुत्व नहीं रहा। इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी और अमित शाह समेत तमाम नेता अभी से बंगाल में रैलियां कर अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। ममता की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी झुकती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीजेपी बंगाल को लेकर इतनी बेचैन क्यों है। नंबर एक, यूपी महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र यूपी के बाद पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा 42 लोकसभा सीटें हैं। 2014 के चुनाव में टीएमसी को 34 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिली और उसे 2 सीटों का नुकसान हुआ था। वही लेफ्ट फ्रंट को 13 सीटों का नुकसान हुआ और वे 2 ही सीटों पर जीत दर्ज कर पाए। नंबर 2, आंकड़ों ने बढ़ाया हौसला। 2014 में बंगाल में बीजेपी को मिले वोट फीसदी से पार्टी का हौसला बढ़ा है। उस वक्त पार्टी को करीब 17% वोट मिले थे, जो कि पिछली बार से करीब 11% ज्यादा थे। वही कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का वोट फीसदी घट गया। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट को पछाड़कर बीजेपी दूसरे नंबर पर पहुंच रही है। नंबर 3, लेफ्ट कांग्रेस का कमजोर पड़ना। बंगाल में कभी मजबूत रहे लेफ्ट और कांग्रेस के कमजोर होने से बीजेपी की उम्मीद बढ़ गई है। 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद से लेफ्ट काफी पीछे रह गए, वही कांग्रेस का प्रदर्शन भी गिरता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी बंगाल में खुद की राह आसान देख रही है। बीजेपी खुद के टक्कर में सिर्फ टीएमसी को देखकर रणनीतियां बना रही है। नंबर 4, विपक्षी एकजुटता को तोड़ना। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों में ममता की गिनती गठबंधन में सूत्रधार की भूमिका निभाने वाले नेताओं में की जाती है। एकजुट विपक्ष चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश विपक्षी दलों के सूत्रधारों को धाराशाही करने की है, ताकि विपक्षी एकता कमजोर पड़ जाए। और नंबर 5, ममता को धाराशाही करना मकसद। अगर ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 जैसे प्रदर्शन दोहराती है, तो वो विपक्षी दलों के गठबंधन में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। अभी 34 सांसदों के साथ टीएमसी लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी टीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इंडिया न्यूज़ पैनल की रिपोर्ट।